please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकवादी संगठन श्रद्धालुओं पर हमले की साजिश रच रहे हैं। खुफिया सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन श्रद्धालुओं को आत्मघाती हमला करके निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं, जिसमें चार चार आतंकियों के गुट शामिल हैं और अमरनाथ यात्रा रूट पर यात्री कैंप के पास इनकी हरकत देखी गई है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये सभी आतंकवादी सीमा पार से करीब 20 दिन पहले कश्मीर में दाखिल हुए हैं। बिहार की कैमूर में एक सुनसान रास्ते पर कुछ बदमाश एक लड़की के साथ छेड़खानी करने लगे। आरोपी की बदमाशों ने अपने छोटे भाई के साथ पूजा में जा रही लड़की के साथ काफी देर तक बदसलूकी की, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। वीडियो में 5 से 6 बदमाश लड़की को घेर कर खड़े दिखाई दिए और उसे पकड़कर उसके साथ छेड़खानी करने लगे। लड़की खुद को छोड़ने की मिन्नतें करती रही लेकिन बदमाशों पर कोई असर नहीं पड़ा। पीड़ित लड़की के भाई ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन बदमाशों ने उसे धक्का देकर किनारे कर दिया। छेड़खानी के दौरान बदमाशों ने लड़की और उसके भाई से पैसे भी छीन लिए। 10 आदमी के सामने 10 आदमी की बात नहीं मानू। आरोपी की बदमाशों ने 27 मई को ही इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर भी साझा कर दिया, जिसकी 30 मई को पीड़ित लड़की की ओर से पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई गई, लेकिन पीड़ित परिवार ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया और दावा किया कि कई बार थाने के चक्कर काटने के बावजूद पुलिस ने अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। पीड़ित परिवार ने जल्द इंसाफ नहीं मिलने पर आत्मदाह की भी धमकी दी। न्याय नहीं मिलेगा तो हम उनके मट्टी के तेल गिरा के वो इसी के सामने हमने के जर जितना परिवार बना। हालांकि पुलिस ने वारदात में शामिल सभी आरोपियों की पहचान होने और एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया। की गिरफ्तारी हो चुकी है और गिरफ्तारी के लिए आदेश दिया जा चुका है। पीड़ित परिवार ने केस वापस लेने के लिए आरोपियों की ओर से लगातार धमकी मिलने का भी आरोप लगाया। मुंबई के वडाला इलाके में लगातार बारिश की वजह से रिहायशी इलाके में अचानक जमीन धंस गई है, जिसकी वजह से आसपास की इमारतों को खतरा पैदा हो गया है। जमीन धंसने से मलबे में करीब 15 कार दब गई है। इसके अलावा आशंका है कि इस मलबे में कई मजदूर भी दबे हो सकते हैं। दरअसल ये जमीन पास में ही बन रही इमारत की वजह से धंसी है। लोगों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद बिल्डर ने काम नहीं रोका, लगातार काम चलता रहा। इतना ही नहीं, लोगों का आरोप है कि बीएमसी के अधिकारियों ने भी उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। हादसे के बाद बीएमसी ने पास की इमारतों को खाली करने के आदेश दिए। और ये तस्वीरें जिसमें कि लैंडस्लाइड में कई गाड़ियां दब गई है लेकिन पास में ही बनी झुग्गियां भी तहस नहस हो गई है। कुछ हेलमेट मलबे में दबे दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए आशंका व्यक्त की जा रही है कि कुछ मजदूर भी इसमें दबे तो नहीं है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे ये इंसिडेंट कितने बजे का है और इलाका सेफ है? 4 से 5 के बीच में ये इंसिडेंट हुआ है और ये सिर्फ दोस्ती वालों की वजह से ये इंसिडेंट हुआ है। उससे जब तक इनका प्रोजेक्ट नहीं था, हमारी बिल्डिंग एकदम सेफ थी। जिस दिन से इन्होंने काम चालू किया, हम लोगों ने कोर्ट में भी केस डाला हुआ है इनके खिलाफ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मैम, कितनी गाड़ियाँ वहाँ पे पार्क थी? 6 गाड़ियाँ टोटली गई है। एक और जाने वाली थी लेकिन उसको निकाल दिया गया। और इसमें कोई ड्राइवर या कोई सिक्योरिटी गार्ड? सुबह 4 से 5 के बीच में कोई नहीं था। इसके लिए पीपल वार सेफ बट रेसिडेंट्स आर नॉट सेफ बॉस। ओके। बिहार की राजधानी पटना में कुछ लोग एक रस्सी की मदद से एक बच्चे को पेड़ पर बांधकर पीटने लगे। पिटाई कर रहे लोगों ने नाबालिग लड़के पर दुकान से मोबाइल फोन चुराने का आरोप लगाया और उसे रस्सी की मदद से पेड़ पर बांधकर एक डंडे से उसकी पिटाई शुरू कर दी। पिटाई के समय बच्चा रहम की गुहार लगाता रहा। पिटाई कर रहे आदमी पर बच्चे की गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं पड़ा। नहीं भैया, लाओ यहाँ कोई देखने वाला नहीं। भैया, बच्चे को पीट रहे आदमी के साथ खड़े लोग उस पर चोरी हुए मोबाइल के बारे में बताने का दबाव बनाते सुनाई दिए। बता बताओ कहाँ है मोबाइल। आरोपी की पिटाई के बाद बच्चे को नजरबंद कर दिया गया, जिसकी जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने पिटाई करने वाले आदमी को हिरासत में लेने का दावा किया और बच्चे को उसके चंगुल से छुड़ाकर थाने ले गई। आगरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा न लगने देने के विवाद के बाद डीएम और एसपी का तबादला कर दिया गया है। बीजेपी विधायक योगेंद्र उपाध्याय ने योगी आदित्यनाथ से शाखा न लगने देने की शिकायत की थी और इस मामले में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सरकार पर अधिकारियों को काम न करने देने का आरोप लगाया। मामला 19 जून का है, जब जिला प्रशासन ने आरएसएस की शाखा लगाने से मना करवा दिया और इसके बाद बीजेपी नेता धरने पर बैठ गए। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया था कि पुलिस अधिकारियों ने आरएसएस का झंडा फाड़ दिया था और स्वयंसेवकों को आतंकी कहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी से
हमने पूरे प्रकरण से उनको अवगत कराया और ये अपेक्षा की कि कानून जिसने भी अपने हाथ में लिया वह दंडित होना चाहिए। उसी संदर्भ में ऐसा प्रतीत होता है कि आगरा के एसपी सिटी और डीएम साहब को स्थानांतरित कर दिया गया है। अधिकारियों को बिल्कुल काम नहीं करने दिया जा रहा है। अब डायरेक्ट एसपी सिटी और डीएम को भी जोड़ के चल रहे हैं, तो जे अधिकारियों में भय प्राप्त करना चाहते हैं कि आने वाले 2019 के चुनाव में अधिकारी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंडे के रूप में काम करें, उनके एजेंट के रूप में काम करें, इसकी हम प्रशंसा करते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस के एक विधायक मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ को जूते पहनाने लगे। कांग्रेस विधायक की इस हरकत पर राज्य की सियासत गर्मा गई और बीजेपी ने इस मुद्दे को लपकने में देर नहीं लगाई। मामले से जुड़ा एक मोबाइल वीडियो भी सामने आया जिसमें विधायक रजनीश सिंह झुककर कमलनाथ को जूते पहनाते दिखाई दिए। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं पर सामंतवादी सोच रखने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस के विधायक ने लोकतंत्र को भी शर्मसार किया है और उसके साथ साथ अपने क्षेत्र की जनता को भी शर्मसार किया है। मामले को तूल पकड़ता देख खुद विधायक रजनीश सिंह सामने आए और जूते पहनाने को जायज ठहरा दिया। मैं अपने पिता की सेवा करता नहीं करता, पिता की करता था नहीं करता था, तो कमलनाथ जी भी मेरे पिता तुल्य हैं। विधायक ने यह भी दावा किया कि भीड़ की वजह से जूते अपनी जगह पर नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने नेता के सम्मान में ऐसा किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में दलितों को आरक्षण दिए जाने की मांग की। योगी ने सवाल उठाया कि जब दलितों को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आरक्षण मिल सकता है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया में आरक्षण क्यों नहीं मिल सकता। सीएम योगी ने कन्नौज में बीजेपी के दलित विरोधी होने के सवाल के जवाब में ये बात कही। एक प्रश्न ये भी पूछा जाना चाहिए उन लोगों से जो लोग कह रहे हैं कि दलितों का अपमान हो रहा है, उनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिर दलित भाइयों को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, इस बात को कब उठाने का कार्य करेंगे। अजीत सिंह हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, सीएम योगी ने अब ये बात कहकर कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दलितों को आरक्षण क्यों नहीं मिल सकता, एक नई बहस छेड़ दी है, कोई जवाब आ पा रहा है? बिल्कुल प्रधान, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कल ये बयान दिया कि जामिया और एबी में दलितों को आरक्षण क्यों नहीं मिलेगा, इस सवाल के बाद जो इस तरीके से दलित आंदोलन को बढ़ावा देती हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात करें और दलों की बात करें, सभी दल उन पर आ गए हैं क्योंकि कोई भी इसका विरोध करने की हैसियत में नहीं होगा। जो 22-23% वोट बैंक है दलितों का, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 2019 से पहले एक ट्रंप कार्ड खेला है जिसका जवाब अब विपक्ष को देने नहीं बन रहा है। हालांकि उन्होंने राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा था उसी समय जब उन्होंने बयान दिया था कि चार पुस्तों से कोई मंदिर नहीं जाता था, जिन्हें वो पहनने लगे, तो और दलितों का बयान देकर मुख्यमंत्री ने विपक्ष को जरूर चुनौती दे दी है और अब विपक्ष की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया था। ऐसे में साफ है कि अब बीजेपी और योगी की तरफ से इस कार्ड का जवाब देना विपक्ष के लिए मुश्किल भी होगा। शुक्रिया जी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस और प्रमुख विपक्षी दलों के महागठबंधन की योजना को भी एक बड़ा झटका एनसीपी प्रमुख के बयान से लगा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने लोकसभा चुनाव से पहले ही किसी भी तरह के महागठबंधन की संभावना से फिलहाल इनकार कर दिया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में शरद पवार ने कहा कि फिलहाल महागठबंधन व्यावहारिक नहीं है। शरद पवार के मुताबिक हर राज्य में अलग अलग क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में है और अपने स्तर का ही वो गठबंधन करना चाहेंगे। शरद पवार का कहना है कि बीजेपी के खिलाफ एक लहर है और चुनाव के बाद ही कोई गठबंधन बन सकता है। आई डोंट सी एनी पॉसिबिलिटी ऑफ दैट टाइप महागठबंधन और एनीथिंग। देयर आर सर्टेन आवर फ्रेंड्स दे वांट दैट बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। माय ओन थिंकिंग इज एंड माय ओन असेसमेंट अल्टीमेटली इट विल बी स्टेट वाइज पोजीशन। मैं समझता हूं कि शरद पवार जी ने जो भी कहा उसको तिल का तार बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा मानना है कि उन्होंने अपने जहन की बातें कही हैं, लेकिन ये जो इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी होती है जिसको कहते हैं निर्देशिका विपक्ष की एका की, वो मुद्दों पे होगी, कार्यक्रम पे होगी और कई राज्यों में प्री पोल होगी और कई राज्यों में पोस्ट पोल होगी।
बिहार की कैमूर में एक सुनसान रास्ते पर कुछ बदमाश एक लड़की के साथ छेड़खानी करने लगे। आरोपी की बदमाशों ने अपने छोटे भाई के साथ पूजा में जा रही लड़की के साथ काफी देर तक बदसलूकी की, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। वीडियो में 5 से 6 बदमाश लड़की को घेर कर खड़े दिखाई दिए और उसे पकड़कर उसके साथ छेड़खानी करने लगे। लड़की खुद को छोड़ने की मिन्नतें करती रही लेकिन बदमाशों पर कोई असर नहीं पड़ा। पीड़ित लड़की के भाई ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन बदमाशों ने उसे धक्का देकर किनारे कर दिया। छेड़खानी के दौरान बदमाशों ने लड़की और उसके भाई से पैसे भी छीन लिए। 10 आदमी के सामने 10 आदमी की बात नहीं मानू। आरोपी की बदमाशों ने 27 मई को इस वारदात का वीडियो सोशल पर भी साझा कर दिया, जिसकी 30 मई को पीड़ित लड़की की ओर से पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई गई, लेकिन पीड़ित परिवार ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया और दावा किया कि कई बार थाने के चक्कर काटने के बावजूद पुलिस ने अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। पीड़ित परिवार ने जल्द इंसाफ नहीं मिलने पर आत्मदाह की भी धमकी दी। न्याय नहीं मिलेगा तो हम उनके मट्टी के तेल गिरा के वो इसी के सामने हमनी के जर जितना परिवार बना। हालांकि पुलिस ने वारदात में शामिल सभी आरोपियों की पहचान होने और एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया। एक की गिरफ्तारी हो चुकी है और का गिरफ्तारी के लिए आदेश दिया जा चुका है। पीड़ित परिवार ने केस वापस लेने के लिए आरोपियों की ओर से लगातार धमकी मिलने का भी आरोप लगाया। कठुआ रेप मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने न्यूज 18 से दावा किया है कि नाबालिग बच्ची का रेप और हत्या करने से पहले उसे नशीली दवाओं का ऑर्डर दिया गया था, जिससे वो बेहोश हो गई थी और शोर मचा नहीं सकी। क्राइम ब्रांच ने यह दावा दिल्ली की फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर किया है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि कम उम्र की बच्ची को खाली पेट रखा गया था और उसे चरस और दूसरी नशीली दवा दी गई, जिससे लड़की कोमा में चली गई। क्राइम ब्रांच इस रिपोर्ट को पठानकोट की जिला अदालत में भी पेश करेगी। दरअसल बचाव पक्ष ने यह दलील दी थी कि अगर जबरन कुछ हुआ था तो बच्ची ने शोर क्यों नहीं मचाया। अब इस रिपोर्ट के आधार पर केस में जम्मू कश्मीर पुलिस का पक्ष और मजबूत हो सकता है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सोशल मीडिया में प्रचार से जुड़े कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उत्तराखंड दौरे पर देहरादून पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के सोशल मीडिया प्रचार से जुड़े कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर लोकसभा चुनावों पर मंथन किया। झारखंड के खूंटी में हुई 5 महिलाओं की गैंगरेप के विरोध में रांची में एनजीओ ने विरोध प्रदर्शन कर सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाने की मांग की। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में कर्ज में डूबे किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यूपी के फिरोजाबाद में रेलवे पुलिस पर ट्रेन से कटकर मरे एक आदमी के शव को एम्बुलेंस की बजाय रेहड़ी से अस्पताल पहुंचाने का आरोप लगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पूर्व अधिकारियों के साथ संपर्क पर समर्थन अभियान के तहत मुलाकात कर उन्हें सरकार के 4 साल के कार्यकाल की बुकलेट सौंपी। यूपी के गाजीपुर में जमीन से जुड़े एक विवाद में बड़े भाई को गोली मारने के आरोप में पुलिस ने छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया। यूपी की मथुरा में एक महिला ने गांव के आदमी पर रेप में नाकाम होने के बाद जिंदा जलाकर मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया। यूपी के इलाहाबाद की मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी को धमकी देने और अंगदारी मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के जयपुर में पति पत्नी के कुएं में कूदने के बाद आदमी की मौत हो गई, जबकि महिला को बचा लिया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस ने एक ट्रक पर छापा मारकर उसमें नारियल के नीचे छिपाकर ले जाए जा रहे करोड़ों रुपए के 6,500 किलो गांजे की बड़ी खेप बरामद की। देहरादून पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री समेत राज्य के मंत्रियों और विधायकों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कुछ लोग सड़क पर सुरक्षा बल का विरोध करने लगे। वहां कई घंटों तक चले एनकाउंटर में सुरक्षा बल के जवानों ने लश्कर ए तैयबा के डिविजनल कमांडर समेत 2 आतंकियों को ढेर कर दिया, जिसके बाद चद्दार धान इलाके के कुछ लोग आतंकियों के समर्थन में सड़क पर उतर गए और सेना के खिलाफ हंगामा करने लगे। इस बीच हंगामा कर रहे लोगों ने मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों का समर्थन करते हुए नारे भी लगाए। इससे पहले सेना के जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर लश्कर के डिविजनल कमांडर शकूर डार समेत 2 आतंकियों को मार गिराया। जिस तरह के सबूत हमें मिले हैं, मटेरियल मिले हैं, उस पे बेसिस पे लग रहा है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट है, वो मारा गया है। पुलिस के मुताबिक शकूर डार 21 आतंकवादियों में एक था, जिसकी सूची सेना ने कुछ दिनों पहले जारी की थी। इसके अलावा मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को गिरफ्तार भी किया,